गुमनाम सितारे गोविंदा और जूही चावला की फैमिली ड्रामा भाभी साल 1991 में रिलीज हुई थी। उन दिनों ये फिल्म काफी हिट हुई थी। इस फिल्म में अगर किसी ने दर्शकों का दिल जीता था वह थी इस फिल्म में गोविंदा की भाभी कामिनी यानी सीता का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस भानुप्रिया। इस फिल्म का निर्देशन किशोर व्यास ने किया था। क्लासिक कल्ट फिल्म आज भी लोगों को काफी पसंद है। भानुप्रिया 80 और 90 दशक की दर्शकों की चहेती एक्ट्रेस रही हैं। उन्होंने साउथ बॉलीवुड मिलाकर कुल वे अब तक लगभग 200 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं। लेकिन उनकी सबसे ज्यादा फिल्में एक्टर जितेंद्र के साथ रही हैं। इसके साथ ही उनकी जोड़ी मिथुन चक्रवर्ती के साथ काफी पसंद की गई है। इसके साथ ही वह श्रीदेवी, विनोद खन्ना, रजनीकांत जैसे सुपरस्टार संग कई बार स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं। एक बात बता दें कि भानुप्रिया में एक गजब का अट्रैक्शन था। उन्हें श्रीदेवी की कॉपी भी कहा जाता था। उनकी बोली सुंदर काया लोगों को काफी पसंद था। फिल्म भाभी के अलावा भानुप्रिया ने इंसाफ की पुकार, खुदगर्ज, मर मिटेंगे, तमंचा, सूर्या, एन अवेकनिंग, दांव, पेंच, गरीबों का दाता, कसम वर्दी की, जहरीले आदि 8 फिल्मों में काम किया। भानुप्रिया की पहली हिंदी डेब्यू फिल्म 1986 में आई दोस्ती दुश्मनी रही है। इस फिल्म में वह दर्शकों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्हें डायरेक्टर एक के बाद बड़ी फिल्में ऑफर करने लगे। आलम ये था उनके पास कभी एक समय 4-5 फिल्मों की शूटिंग एक साथ करती थी। भानुप्रिया के बारे में एक दिलचस्प बात बता दे कि वह बॉलीवुड और साउथ की आउटसाइडर रही है। उनका फिल्म इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं था और उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। उन्होंने अपनी जो पहचान बनाई थी वह अपने दम पर बनाई थी। एक बार एक इंटरव्यू में भानु ने बताया था कि जब वह पढ़ाई कर रही थी तब एक दिन भाग्यराजा गुरु वहां आए। वो अपनी फिल्म के लिए नए चेहरे की तलाश में थे। एक ऐसी लड़की जो खूबसूरत दिखने के साथ साथ डांसिंग में परफेक्ट हो। उन्हें भानु पसंद आई लेकिन उन्हें लगा कि इस रोल के भानु अभी बहुत छोटी है और उन्होंने उस फिल्म में उन्हें लेने से मना कर दिया। हालांकि भानु अपने स्कूल में सभी को बता चुकी थी वह फिल्में करने जा रही हैं। ऐसे में जब उन्हें फिल्म से हटाया गया तो उन्होंने स्कूल ही जाना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें लगा फिल्म में रोल ना मिलने पर लोग उनका मजाक बनाएंगे। बस क्या यही से भानु एक्ट्रेस बनने का सपना देखने लगी और उन्होंने अपना फोटोशूट कराया जो भारती राजा गुरु का काफी पसंद आया और उन्हें कास्ट कर लिया। साल 1983 में जब तमिल फिल्म मिल्ला पेसुंगल रिलीज हुई तो भानु को लोगों ने काफी पसंद किया। यह उनकी पहली फिल्म थी जो काफी हिट हुई थी। उन दिनों भानु मात्र 17 साल की थी। 56 की हो चुकी भानुप्रिया का 15 जनवरी 1967 को आंध्र प्रदेश के राजमंड्री में उनका जन्म हुआ था। भानुप्रिया का असली नाम मंगा भामा है। फिल्म में आने के बाद उन्होंने अपना नाम बदल लिया था। कहा जाता है कि जब उनका करियर पीक पर था तो 1998 में फैमिली की मर्जी के खिलाफ जाकर उन्होंने एनआरआई बिजनेसमैन आदर्श कौशल संग घर बसा लिया। शादी के बाद वो कैलिफोर्निया में सेटल हो गई और फिल्मों से दूरी बना ली। इस शादी से एक बेटी अभिन्या भी हुई। हालांकि अफसोस जिसके लिए भानु ने अपना करियर और परिवार छोड़ा अंत में उसी ने उन्हें तन्हा कर दिया। शादी के तकरीबन 7 साल बाद उनका डिवोर्स हो गया था। तलाक के बाद अपनी बेटी समेत भारत वापस आ गई और चेन्नई में रहने लगी। भानुप्रिया ग्लैमर से दूर एक सिंपल लाइफ जीती हैं। वह पहले से काफी बदल चुकी हैं। इसके साथ ही वह एक गुमनाम जिंदगी बसर कर रही हैं।